आचार्य विष्णुगुप्त अपनी योजना के अनुसार भागुरायण के यहाँ पहुँचे। प्रार्थना करने से पूर्व अपना परिचय। भागुरायण आचार्य विष्णुगुप्त के व्यवहार पर आश्चर्यचकित था। मैं सामान्य से आचार्य के शब्दों में भावी का संकेत था। आचार्य के व्यवहार से शंकित हो किंग कर्तव्य विमूढ़ भागुरायण सीधे कारागार पहुँचा, जहाँ सुसिद्धार्थक बंदी बनाकर रखा गया था। सुसिद्धार्थक को कारागार में पा भागुरायण को पुनः आश्चर्य का धक्का लगा। अब गौरस तो मिले। एक ओर भागुरायण आश्चर्य के आघात से संभला ही न था कि दूसरी ओर वररुचि ने अमात्य राक्षस को आड़े हाथों लिया। ये विस्फोट अब तुम्हारे और मेरे नियंत्रण से बाहर है। वररुचि ने महामंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। अपने पद से त्याग पत्र देने के पश्चात वररुचि आचार्य विष्णुगुप्त से मिलने पहुंचे। वररुचि को आचार्य के अतीत का स्मरण हो आया। संकट आया, कोई कुछ कर नहीं रहा है। राष्ट्रपतन के गगार पर खड़ा एक धक्के की राह देख रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। भारत की असुरक्षित सीमाएं आपके पास। आचार्य विष्णुगुप्त ने इस बार वररुचि को आड़े हाथों लिया। इस समाज को आपकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसके लिए दोषी आप हैं, धनानंद नहीं। मगध के पतन के लिए आप भी उत्तरदायी हैं महामंत्री। वररुचि के जाने के पश्चात आचार्य विष्णुगुप्त आचार्य अजय के घर पहुंचे। आचार्य अजय को आचार्य विष्णुगुप्त द्वारा वररुचि के त्याग पत्र की सूचना मिली। आचार्य विष्णुगुप्त का अनुमान सही निकला। और अमात्य राक्षस वररुचि से अपना त्याग पत्र वापस लेने की प्रार्थना करने वररुचि के निवास पर पहुंचे। आपने त्याग पत्र दे दिया है, इसलिए आपको ये संबोधन स्वीकार नहीं है। क्या आपने ये जानना चाहा कि आपका त्याग पत्र स्वीकार हुआ भी है या नहीं? यदि सम्राट को मेरा त्याग पत्र स्वीकार नहीं तो मुझे सम्राट का निर्णय स्वीकार नहीं, और मुझे आपका आत्मघाती निर्णय। महामंत्री, मैं आपसे सम्राट की शरणागति स्वीकार करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे सत्य और अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कह रहा हूँ। निर्णय आपको करना है, पर निर्णय करते समय इतना अवश्य सोचिएगा कि आपका हर निर्णय मगध के भविष्य को प्रभावित करेगा। वररुचि ने अपना त्याग पत्र वापस ले लिया। प्रसन्न मन अमात्य अपने कार्यालय पहुंचे ही थे कि भागुरायण ने उन्हें आचार्य के संबंध में सूचना दी। आचार्य विष्णुगुप्त के निवास पर दिखाई दिए थे। अमात्य क्रोधित हो उठे। समझता क्या है वो ब्राह्मण अपने आप को? भागुरायण आर्य, आचार्य पे कौन दृष्टि रख रहा है? आप उसे नहीं जानते, और न ही शासन के दूसरे गुप्तचर। उसका नाम है सुसिद्धार्थ। और सुसिद्धार्थ अपने अभियान पर आगे बढ़ रहा था। मारती हो? अरे मार क्यों नहीं रही हो?
मारो, मुझे और मारो, इसी तरह मारते रहो मुझे, और मारो और मारो। स्वर्ग का आनंद आ रहा है, मारो, क्या स्वर्ग यही है? अरे तुम मुझे मार क्यों नहीं रही हो गणिकाओं, और मारो और मारो। ये स्पर्श ठीक नहीं है, ये स्पर्श भी जरा कठोर है, मारो मुझे और मारो। पुरुष प्रकृति से सौंदर्य पिपासु होता है, उसको वश में करने के लिए क्या बात है विक्राल? अरे ये आपको अपना मित्र बताता है, मित्र सिद्धार्थ, मित्र सिद्धार्थ। इसे ऊपर ले आओ, उठाओ मुझे, मार डाला, दुर्गति कर दी मेरी, बहुत पीटा है इन लोगों ने, बहुत दुर्गति कर दी मेरी। आए संभाल के, आए मारा गया मित्र सिद्धार्थ। तुम्हें ये क्या हो गया विधाता, तुम्हारी ये दशा? अरे मैं लुट गया, जुए में सब गवा दिया मैंने, मेरे वश तक कर लिए दुष्टों ने, हार कर तुम्हारी शरण में आ रहा था कि इन्होंने मुझे दरिद्र जानकर मेरा अपमान किया, मेरी पिटाई की, मेरी और तुम्हारी मित्रता पर अविश्वास किया, धन चले जाने पर गणिकाएं भी नहीं पहचानती, मैंने सब गवा कर ये जान लिया। आप सब मेरी सहायता करेंगी? करो, तुम सब जा सकते हो, जो आ गया दे जाओ, मेरा अंग अंग दुख रहा है, संभाल के। जब से तुम गणिकाओं को कविता सिखा रहे हो, प्रेम के सूक्ष्म भाव सिखा रहे हो, तब से तुमने मेरी सुध लेना भी छोड़ दिया है। आसव ही मेरे तन और मन की पीड़ा को भुला सकता है, थोड़ी और पिलाओ। इधर भी आनंद आ रहा है, आए पीड़ा हो रही है। अब कैसा लग रहा है सिद्धार्थ? इतनी जल्दी तन की पीड़ा कहाँ जाएगी यार, ये तो पीड़ा सहनी ही पड़ेगी, अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही होगा। कितनी बार मैंने तुमसे जुए से दूर रहने को कहा है, पर तुम हो के मानते ही नहीं। अरे जुआ भी प्रेम क्रीड़ा जैसा ही है, बार बार असफल होने पर भी मन नहीं मानता, पर अब नहीं खेलूंगा, कान पकड़ता हूँ, अब कभी नहीं खेलूंगा। आज तो तुम बच गए, पर तुम्हारी यही स्थिति रही तो एक दिन कारागार में पड़े मिलोगे। अरे कविता सुनाने की बजाय कड़वे वचन क्यों सुना रहे हो? अरे एक दिन मैं तुझे पीटूंगा भी, मैं नाट्यशाला जा रहा हूँ, तुम ठीक होने तक यहीं विश्राम करोगे।
रात्रि में नाट्यशाला अथवा मदिरालय में मुझे देख लेना। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यदि कोई विशेष कार्य हो तो? कार्य तो विशेष ही था, पर अब इस अवस्था में कहना ठीक नहीं होगा। मुझे स्वास्थ्य लाभ कर लेने दो। अब तुम जाना चाहो तो जाओ। आर्य सिद्धार्थ तक मेरे परम मित्र हैं, आप सब इनका ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थक बचाओ, मित्र सिद्धार्थक कहाँ हो? आए बचाओ। मित्र सिद्धार्थक, आनंद करो। प्रणाम। तुम भी आनंद करो। प्रणाम। छोड़ दो, मैं एक एक को देख लूंगा। तो इस अवस्था में भी उल्टा लटका कर रखना चाहिए। ऐसे कड़वे वचन मत बोलो सिद्धार्थ। क्यों ना बोलो? मेरे कारण गणिकाओं ने जो आभूषण तुम्हें दिए उन्हें तुमने जुए में दांव पे लगाया और सब हार गए। इतना कम नहीं था क्या जो तुमने मदिरा पी मदिरालय के स्वामी से लड़ाई की? क्या गलत था जो उसने तुमसे मदिरा का शुल्क मांगा? और उसके बाद तुमने मदिरालय के सेवकों से हाथापाई भी की। वो तो मैं ठीक समय पर पहुंच गया, नहीं तो तुम कारागार की हवा खा रहे होते। अपने मित्र से ऐसा नहीं कहते सिद्धार्थ। मुझे मित्र कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरे घाव पे नमक मत छिड़को सिद्धार्थ। सभी दिन एक समान नहीं होते। आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी और दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। और अब सारी रात इन पशुओं की ठोकरें खाना? नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ सिद्धार्थ। तुम भी यहीं रुक जाओ या मुझे अपने साथ ले चलो अपने कक्ष में। मुझे तुमसे आवश्यक बात करनी है। सुध पालो तब बात कर लूंगा। सिद्धार्थक, सुसिद्धार्थक तुम? ये मेरा दूसरा रूप है सिद्धार्थक। संभवतः तुम्हें अपना ये रूप कभी नहीं दिखाता यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं होती। तो जो तुम तक कर रहे थे वो सब नाटक था? वर्षों से मैं ये नाटक खेलता आ रहा हूं, ये मेरा पेशा है। अर्थात? अर्थात मैं सत्ता का सबसे विश्वस्त गुप्तचर हूं। जो तुम देखते हो वो सत्य नहीं है। दूसरों के लिए हंसी का पात्र बनने वाला, जुए में हार जाने वाला, थोड़े से धन के लालच में कोई भी काम करने वाला सुसिद्धार्थक सच नहीं है, वो झूठ है। सच में ये सुसिद्धार्थक है। तुमने अपना यह रहस्य आज मुझे क्यों बताया? सिद्धार्थक, तुम मेरे बचपन के मित्र ही नहीं, हृदय से उदार व स्वच्छ हो। इसलिए जो कार्य मैं अपने इस रूप में नहीं कर सकता वो मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। मैं कुछ समझा नहीं सिद्धार्थक। सिद्धार्थक, पाटलिपुत्र में एक आचार्य हैं विष्णुगुप्त, पिता का नाम चणक,
वर्षों पहले धन्नंद का विरोध करने के कारण उन्हें कारावास मिला था और कुछ समय पश्चात उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। उन्हीं आचार्य चणक का पुत्र वर्षों पश्चात तक्षशिला से राजनीति का पंडित बनकर लौटा है, और यदि मैं गलत नहीं हूं तो उस व्यक्ति में कोई ऐसी बात है जिससे मगध की सत्ता को भय है। महामंत्री वररुचि तक उसके पास जाते हैं और मैं उस आचार्य पर दृष्टि रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उस आचार्य को सावधान करो कि मगध के गुप्तचर उस पर दृष्टि रख रहे हैं। पर ऐसा करना तुम्हारी निष्ठा के विरुद्ध नहीं होगा? सिद्धार्थ, उस व्यक्ति में यदि सत्य का सामर्थ्य नहीं होता तो अब तक वो कारावास में होता। मेरी निष्ठा सत्य के साथ है और कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लिए मैं अपनी निष्ठा बेच नहीं सकता। इसके अतिरिक्त इस प्रकार तुम्हारे द्वारा उपलब्ध सूचनाएं मैं अपने स्वामियों तक पहुंचा दूंगा, यदि मुझे आवश्यक लगा तो। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये कार्य मुझे ही करना चाहिए? सिद्धार्थ, तुम भी दिखते चाहे जो भी हो, यदि मैं गलत नहीं हूं तो मैंने तुम्हारी वाणी में सत्य के प्रति निष्ठा का स्वर सुना है। सत्य चाहे जिस ओर भी हो, पक्ष तुम सत्य का ही लेना, पुरस्कार तुम्हें दोनों ओर से मिलेगा। बोलो, क्या निर्णय है तुम्हारा? पुरस्कार के लिए नहीं, पर कविता के लिए एक कार्य अवश्य करूंगा। इस कार्य में मुझे एक नवीन कथा कविता के बीच दिखाई दे रहे हैं और मेरे भीतर के अभिनेता को चुनौतियां भी। तो अब मैं चलता हूं, संभवतः कल किसी और रूप में भेंट हो। छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा, मैं एक एक को देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। महामंत्री तक जाऊंगा, मैं सम्राट तक जाऊंगा। आचार्य विष्णुगुप्त, यदि सम्राट ने विद्यापीठ के निर्माण के लिए अनुमति दी है तो मैं सेनापति, सम्राट अनुमति दे चुके हैं, इसलिए यदि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मंत्रीवर, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं विद्यापीठ के निर्माण का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह जानना चाहता हूं क्या मगध में आचार्य विष्णुगुप्त के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति नहीं है जिसे विद्यापीठ के मार्गदर्शन के लिए योग्य समझा जाए। सेनापति, आप आचार्य विष्णुगुप्त के संबंध में क्या जानते हैं? आज से वर्षों पूर्व भरी सभा में तक्षशिला के एक आचार्य का अपमान हुआ था, वे आचार्य विष्णुगुप्त ही थे। आज से कई वर्ष पूर्व तक्षशिला का एक शिक्षक हमसे यवन आक्रांता अलक्षेंद्र के विरुद्ध सहायता मांगने आया था, वो आचार्य विष्णुगुप्त ही था। उनकी स्वतंत्रता को कुचलना होगा, किसी राज्य की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती अमात्य। यदि इस राष्ट्र की रक्षा के लिए गांधार, कहक एवं पंचनद के गणराज्यों ने साथ नहीं दिया तो वे भी स्वतंत्र नहीं रहेंगे। ये वही विष्णुगुप्त है जिसने पंचनद प्रदेश में स्थिर हो रही यवन सत्ता को चुनौती दी थी और उसने यवन सत्ता के अवशेष को उखाड़ भी फेंका था। मगध देख नहीं पा रहा है, पर उसने मगध का गौरव ही बढ़ाया है। यदि इस राष्ट्र के गौरव का हनन हुआ तो मगध भी अपने गौरव की रक्षा नहीं कर पाएगा, मगध को भी उसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। महामंत्री, आज वो मगध के आचार्यों को एकत्र कर रहा है, मगध को वो तक्षशिला का स्थान दिलाना चाहता है ताकि मगध शिक्षा व संस्कृति का मान बिंदु हो। वर्षों बाद अपने घर लौटे पुत्र का सम्मान मगध और किस प्रकार कर सकता है? सेनापति भद्रशाल, क्या तक्षशिला के राजनीति के आचार्य का पर्याय मगध के पास है? मैं समझता हूं अमात्य राक्षस इस दायित्व के लिए अधिक योग्य होंगे।
यदि आमात्य को आपत्ति न हो तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। आमात्य राक्षस, महामंत्री, परिषद के मार्गदर्शन का दायित्व आपको स्वीकार है। मुझे इस विषय पर विचार करने के लिए समय चाहिए। इसमें विचार करने की क्या बात है आमात्य? महामंत्री, मुझे लगता है आमात्य को विचार करने का समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न मगध के गौरव का है। ठीक है, आमात्य विचार कर लें और शीघ्र ही परिषद को अपने निर्णय से अवगत कराएं। मैं किसी वीर योद्धा की भांति पर पराजित होकर लौटा। अपना हृदय में हार आया हूं सुसिद्धार्थ। मेरे भावों का सामर्थ्य कभी इतना असमर्थ नहीं था कि मेरी अभिव्यक्ति लड़खड़ा जाए, पर जब मैंने उन्हें बताया कि मगध के गुप्तचर उन पर दृष्टि रख रहे हैं तो हंस पड़ा एक निर्दोष बालक की तरह। अगले क्षण मैंने उनकी आंखों में करुणा को बढ़ते देखा। एक घनी पीड़ा उनकी आंखों में थी और जब मेरा आभार मानने मेरी उंगलियों को उन्होंने अपने हाथों में थामा तो आत्मीयता का प्रवाह मैंने अपने भीतर बहते देखा। उसका एक एक कथन तुम्हें झिंझोड़ कर रख देगा सुसिद्धार्थक। मैं उससे दृष्टि मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा था मेरी सूचना से वह विचलित होगा, पर वह पर्वत की तरह स्थिर था, अडिग था, अभय था। उसके शब्दों में एक नवीन रचना का संकेत था, मानो कोई विश्वामित्र इंद्र को प्रति सृष्टि की रचना के लिए चुनौती दे रहा हो। उसका सारा व्यवहार ऐसा था जैसे उसे मेरी प्रतीक्षा हो। कविवर, उसने मेरे बारे में जानना नहीं चाहा? नहीं, और वो जानता है कि मगध के गुप्तचर उस पर दृष्टि रख रहे हैं। यानी मेरा अनुमान गलत नहीं था। क्या था तुम्हारा अनुमान? ये सामान्य दिखने वाला आचार्य अति सामर्थ्यशाली है, इसीलिए व्यवस्था सतर्क है। पर क्या सामर्थ्य हो सकता है उस आचार्य में? मगध की सर्वोच्च सत्ता से लेकर पाटलिपुत्र का एक कवि, एक नाटककार, एक जुआरी तक उसके बारे में सोच रहा है। मगध की महामंत्री तक को बड़ी सहजता से अपने घर बुला लेता है। इसमें उसकी बुद्धि का सामर्थ्य तो समझ में आता है, पर नहीं समझ में आ रहा है उसका वो सामर्थ्य जिससे सत्ता चिंतित है। तुम्हें क्या लगता है? वही तुम्हें और मुझे ढूंढना है सिद्धार्थक। तो सिद्धार्थक, मैं इस व्यक्ति का अहित नहीं कर सकता। सिद्धार्थक, मैं यदि अहित करना चाहता तो आज तुम आचार्य के पास ना गए होते। तुम सतत आचार्य के संपर्क में रहो, उनसे मित्रता बढ़ाओ, पर ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि हम अभिनेता बन जाएं और वो हमारा सूत्रधार। सुसिद्धार्थ, चलो अभ्यास करें। चलो। आर्य शक्तार अपने पुराने सेवकों से संपर्क कर रहे हैं। आचार्य अजय और आचार्य रुद्रदेव आचार्यों से वार्ता और मंत्रणा कर रहे हैं। आचार्य वर्ग की गोष्ठियां हो रही। आचार्य विष्णुगुप्त किसी ना किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल रहे हैं। क्यों ऐसी सूचनाएं देते हैं आप मुझे आर्य भगुरायन? आप मुझे ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि आचार्य विष्णुगुप्त आखिर चाहते क्या हैं? आपका पूरा गुप्तचर विभाग मुझे ये बताने में असमर्थ है कि आचार्य चाहता क्या है। वो व्यक्ति हमारी नाक के नीचे खेल रहा है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। क्या हो गया है हमें? अमात्य, उनके आचरण में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर संदेह किया जा सके। आर्य भगुरायन, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति जिसका भरी सभा में अपमान हुआ हो, एक व्यक्ति जो मगध के शासन से यवनों के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए सैनिक सहायता मांगने आया हो और जिसका पुनः अपमान हुआ, एक व्यक्ति जिसने यवन की सत्ता को जड़ों से उखाड़ फेंका हो, एक व्यक्ति जो पंचनद के गणराज्यों की परस्पर संघर्षरत भूमि, जहां कुल जाति और जनपद का अविरल संघर्ष चल रहा हो,
वहां भी वो अपना अभियान चलाने में सफल रहा हो। वो व्यक्ति जिसकी कथा उत्तरापथ में सुनाई जाती है, वो व्यक्ति जिसके शिष्य पूरे उत्तरापथ में फैले हुए हैं, वो व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च गुरुकुल का श्रेष्ठ आचार्य हो, वो व्यक्ति जिसके चरणों में उत्तरापथ के शासक तक सर झुकाते हैं, वो व्यक्ति जो मगध के कुत्सित राजनीतिक अतीत से जुड़ा है, वो व्यक्ति जिसके पिता को निर्वासित किया गया है, वो व्यक्ति जिसने अपनी माता को मरते हुए देखा, जिसने उत्तरापथ में हजारों लाखों का रक्त बहते देखा, वो व्यक्ति वर्षों पश्चात एक दिन पाटलिपुत्र में चुपचाप आता है और मगध के महामंत्री को अपने द्वार तक बिना बुलाए बुलाता है, वो व्यक्ति जिसके कारण पाटलिपुत्र का आचार्य वर्ग सक्रिय हो उठा, वो व्यक्ति जो ऐसे कारणों को ढूंढ रहा है जिससे मगध की सत्ता को चुनौती दी जा सके, वो व्यक्ति जो मगध के शासन में फैली सड़ान को उखाड़ फेंकना चाहता हो, वो व्यक्ति जो मगध में वर्षों पश्चात लौटा हो और पाटलिपुत्र में सहस्त्र योजन भूमि खरीदने का सामर्थ्य रखता हो, जो मगध के सम्राट तक को अपनी उपस्थिति का आभास दिला सका हो, जो मगध के राज परवाह में कलह उत्पन्न कर सकता हो, क्या उसका आचरण संदेशपद नहीं होना चाहिए? वो आचार्य जो कल तक पंचनद की भूमि पर सक्रिय था, आज अचानक क्यों पाटलिपुत्र लौट आया है? जिसने वर्षों तक अपने घर की सुधि नहीं ली, वो वर्षों पश्चात अचानक सब कुछ छोड़कर पाटलिपुत्र आता है और हमें उस पर संदेह तक नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं भगुरायण, वो व्यक्ति तक्षशिला में अपना गौरवपूर्ण स्थान छोड़कर पाटलिपुत्र क्यों आएगा? क्या आचार्य विष्णुगुप्त तक्षशिला के वही आचार्य हैं जिन्होंने वाहिक प्रदेश में यवनों के विरुद्ध नेतृत्व किया था? महामंत्री ने जब बताया तब मानने को मैं भी तैयार ना था, पर लगता है अब विश्वास करना ही पड़ेगा। मुझे भी अब उनसे मिलना ही पड़ेगा। बिना किसी ठोस प्रमाण के उस व्यक्ति को हाथ लगाने का अर्थ है आचार्य वर्ग में विद्रोह का आमंत्रण देना, और मैं अपने हाथों से गंधक के स्रोत में स्फोट नहीं कर सकता। भगुरायण बैठो, हमें और विचार करना होगा। इस समय आचार्य कहां होंगे? मेरे आने से पूर्व वे परिषद भवन में आयोजित गोष्ठी में गए थे। तुम्हारे पतन का कारण तुम स्वयं, हमारे पतन का कारण हम स्वयं। कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वाचरण में ना। झूठ कहते हैं वे लोग जो दूसरे संप्रदायों के उदय को अपनी आस्था के पतन का कारण मानते हैं। आस्था तुम्हारी थी, वह डिग कैसे सकती है? और यदि तुम्हारी आस्था को सत्य का आधार नहीं है तो उसका पतन होना चाहिए। तुम्हारा मार्ग भिन्न हो सकता है, उसका मार्ग भिन्न हो सकता है, सत्य तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए जो अपने मार्ग पर अपने साथ नहीं उसका मार्ग गलत है, यह मानना गलत होगा। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। संप्रदाय मार्ग हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं। साधक और साध्य के बीच साधना है, साधना भी एक मार्ग है, वह भी भिन्न हो सकता है। एक ही संस्कृति के अनुयायियों की साधना भिन्न हो सकती है। अतः साधना की भिन्नता से, संप्रदायों की भिन्नता से हमारी संस्कृति में भेद नहीं हो सकता। संस्कृति तो सत्यनिष्ठ जीवन मूल्य है, जीवन की एक पद्धति है जिसके हम सभी अनुयायी हैं। जीवन में हमारी आस्था है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा संस्कार है। जो सत्य से परामुख हो वह हमें स्वीकार नहीं, यह हमारी पद्धति है, यह हमारा अनुशासन है। और यही संस्कृति हमें भिन्न भिन्न उपासना के मार्ग देती है। जीवन की एक पद्धति और उपासना की दूसरी पद्धति में कोई संघर्ष नहीं है जब तक वह सत्यनिष्ठ है। इसलिए दूसरों का मार्ग तुम्हारे मार्ग से भिन्न हो तो चिंता मत करो, विचलित मत हो। अपनी आस्था को संजो कर रखो, अपने मूल्यों का जतन करो और समय समय पर उनका मूल्यांकन करो। सत्य के प्रकाश में अपनी परंपराओं को देखो और उनका विश्लेषण करो। जब तक तुम सत्य की रक्षा करोगे, संस्कृति तुम्हारी रक्षा करेगी, या तो सीधी समझ में आने वाली बात है। यदि आज तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो कारण बाहर नहीं, भीतर है। सत्य का मार्ग तुम छोड़ते हो तो चुनाव के लिए कौन सा मार्ग शेष रह जाता है? यही तुम्हारे पतन का कारण है और यही समाज के पतन का भी कारण है।
चुनौती स्वीकार करने के बजाय आप द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों को चुनौती देते हैं। यदि सत्यनिष्ठ मूल्यों में तुम्हारी इतनी ही आस्था है तो उन्हें जीकर दिखाओ। तुम्हारा कृतित्व ही तुम्हारा इतिहास हो सकता है और अपना इतिहास बनाने का तुम्हें अधिकार है। सामर्थ्य है तो उठ कर दिखाओ, जी कर दिखाओ, कर कर दिखाओ। उदाहरण रखो, उदाहरण बनो। किसने तुम्हें रोक रखा है? बढ़ो, आगे बढ़ो। उत्थिष्ठ भारत। पुत्र के नागरिक रात्रि के समय स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ सम्राट। क्या पाटलिपुत्र के मार्ग सुरक्षित हैं? हाँ सम्राट। क्या पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? हाँ सम्राट। क्या आप नगर का नियमित निरीक्षण करते हैं? हाँ सम्राट। क्या व्यवस्था के अन्य विभागों से संतुष्ट हैं? हाँ सम्राट। क्या आप अपने सहयोगियों से संतुष्ट हैं? हाँ सम्राट। क्या आप मेरे व्यवहार से संतुष्ट हैं? हाँ सम्राट। आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सम्राट। आप अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं। प्रणाम सम्राट। मैं आप सब से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं और साथ ही साथ मेरी आप सब से ये प्रार्थना है कि आप महामंत्री को पूर्ण सहयोग दें। अमात्य कात्यायन के अतिरिक्त अन्य सभी सभासदों के लिए मैं सभा विसर्जन की घोषणा करता हूं। आप अब तक कहां थे अमात्य? आचार्य विष्णुगुप्त की सभा में गया था सम्राट। क्या ये वही आचार्य है जिसने वाहिक प्रदेश में यवनों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? विश्वास तो नहीं हो रहा है, पर संदेह की पुष्टि करने के अनेक कारण उपलब्ध हैं। वर्षों पहले यही आचार्य यवनों के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा करने के लिए मगध से सैनिक सहायता मांगने आए थे और खाली हाथ लौटे थे। प्रतिहारियों, इस मूर्ख की शिखा पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। एक दिवस यही शिखा तेरे खून की काल तरपड़ी होगी धरनंद। तुम जैसे दुष्टों ने भारत को पराक्रांत कर रखा है, मैं तुम जैसे दुष्टों को पराक्रांत करूंगा। अमात्य, इस आचार्य को मेरे राज्य से निर्वासित कर दो, ये मेरी आज्ञा है। क्या बात है? भगुरायण, मेरी आज्ञा के बिना आचार्य विष्णुगुप्त को हाथ बिना लगाया जाए, यह उत्तरदायित्व तो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। और यदि आचार्य विष्णुगुप्त तुम्हें विवश करे तो भी नहीं, ये मेरी आज्ञा है।
अमात, मुझे बचाइए अमात। ये द्वंद मैंने नहीं किया, दूताले का द्वंद मैंने नहीं किया। मुझे कारागार में मत डालिए। अरे भागुराई, मैं निर्दोष हूँ। मुझे क्यों यहाँ बुलाया गया है, मुझे क्यों पकड़ के लाया गया है? चंदन दास अमात, आपका स्वागत है अमात। चंदन, मैं भंते जीव सिद्धि से मिलना चाहता हूं। तुम आज रात्रि उन्हें मेरे यहां आने का निमंत्रण दे आओ। भंते से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, पर उनका आना मेरे लिए अति आवश्यक है। मैं स्वयं बिहार चला जाता, पर मैं एकांत चाहता हूं। आमाप्ते अग्नि, आज मुझे रोकना मत। अमात्य शकर दास, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि सम्राट तुम्हारे द्वारा कोई घोषणा या आज्ञा पत्र लिखवाए तो उसकी सूचना मुझे अवश्य दे देना। मैं चलता हूं। अमात्य, मैं जरा जल्दी में हूं। क्या तक्षशिला के राजनीति के आचार्य का पर्याय मगध के पास है? मैं समझता हूं अमात्य राक्षस इस दायित्व के लिए अधिक योग्य होंगे। भद्रशाल ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये वही आचार्य है जिसने वाहिक प्रदेश में यवनों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? सम्राट तक ये सूचना किसने पहुंचाई? भद्रशाल, आप भोजन तो कर लीजिए। आज क्या कांड करा है? कुछ नहीं, बस आज अमात्य राक्षस के दुर्लभ दर्शन हो गए। इसे आज की उपलब्धि कह लो या कांड। ओ स्वागत है सेनापति। सेनापति पुरुषदत्त। हाँ सेनापति। तुम वाहिक प्रदेश के अश्वों के व्यापारियों से तो मिलते हो? क्यों सेनापति? तक्षशिला का एक आचार्य है आचार्य विश्वगुप्त। संभव हो तो उन व्यक्तियों से उसके संदर्भ में विवरण एकत्रित करो।
पर बात क्या है सेनापति? कुछ नहीं, ऐसे ही रथाध्यक्ष अभी तक नहीं आए, बस आ ही रहे होंगे। आचार्य विष्णुगुप्त। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं भदंत, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। राजकुल में वर्षों से क्लेश चला आ रहा है और आचार्य विष्णुगुप्त का पाटलिपुत्र आगमन वर्षों से दबे हुए ज्वालामुखी को भड़कने के लिए बाध्य कर रहा है। मंत्री परिषद में एक एक व्यक्ति मुझे आग से खेलते दिखाई पड़ रहा है। महामंत्री वरुचि सेनापति भद्रशाल को चुनौती दे रहे हैं। श्रीयक आचार्य विष्णुगुप्त का मित्र है। आर्य शक्तार जीवित है, अतीत के वर्ण अभी तक भरे नहीं हैं। मगध में कईयों को नंदों के पतन की प्रतीक्षा है। आचार्य वर्ग ने कभी भी नंदों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। नंद परिवार से घृणा करने वालों का भी अभाव नहीं है मगध में। शासन में भी सम्राट का मनी मन विरोध करने वाले सक्रिय हैं। सेना के विभागाध्यक्षों में भी सेनापति भद्रशाल के विरोधी हैं। महापद्म नंद के हाथों पराजित गणराज्य व अन्य राजकुल अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हैं। वे एक आघात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं भी आज तक इस तथ्य को जुटलाता आया हूं कि मगध आंतरिक विद्रोह की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, पर सच तो यह है कि मगध की यह भूमि कभी भी विद्रोह के भय से मुक्त नहीं रही है। और यदि आचार्य विष्णुगुप्त ने कभी भी विद्रोह का नेतृत्व किया तो मुझे विश्वास है कि उन्हें न सिर्फ बाहर से परंतु उन्हें मगध के भीतर से भी सहायता मिल सकती है। और मैं देख रहा हूं कि आचार्य असंतुष्टों को संगठित कर रहे हैं। और वर्तमान परिस्थितियों में भी यदि मैं आचार्य विष्णुगुप्त को क्षति पहुंचाता हूं तो भी राजकुल और मगध में संघर्ष निश्चित है। और हाथ पर हाथ धरे बैठता हूं तो भी मगध का भविष्य अनिश्चित है। कात्यायन, मैं तुमसे पहले भी कहता था अमात्य कि नंदों को संभालो। नंद नंदन महापद्म नंद नहीं कि महापद्म की विरासत को संभाल सके, न ही उनमें वह शौर्य है और न ही प्रशासनिक कुशलता। पर हमेशा तुमने आलोचना व विरोध से सम्राट की रक्षा की और सम्राट ने अपनी अकार्यक्षमता व दोषों को छिपाने के लिए सदैव अपने परिसर में हीन प्रवृत्ति व हीन भावना वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया और विद्रोह के भय से तुम उन्हें रोक नहीं पाए। मगध और नंद के बीच तुमने नंदा को चुना और अपनी राजनीतिक निष्ठा के नाम पर तुमने नंदों की रक्षा की और मगध की उपेक्षा। तुम अपने भीतर के विद्रोह पर तो नियंत्रण पा गए, पर दूसरों के भीतर के विद्रोह को कैसे दबाओगे? अब स्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है इसलिए तुम विचलित हो रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि परिवर्तन के किसी भी प्रवाह को तुम अब रोक पाओगे। तुम्हें केवल माध्यमों को चुनना है क्योंकि परिवर्तन मुझे अटल दिखाई दे रहा है। मैं भी चाहता हूं कि परिवर्तन हो, पर वो रक्त रंजित ना हो, वैमनस्य पूर्ण ना हो, पूर्व ग्रहों के कारण ना हो, किसी शत्रुता के कारण ना हो। मुझसे क्या चाहते हो अमात्य? मैं चाहता हूं कि आप सम्राट को वानप्रस्थ में जाने के लिए प्रेरित करें, या संघ की शरण में जाने के लिए तत्पर करें, ताकि तुम नवनंद को शासन अभिषिक्त कर सको। हाँ, तुम मुझे भी अपने दाव पेचों से मुक्त नहीं रखोगे। ददंत,
मैं जानता हूं कि सम्राट आपका सम्मान करते हैं, वे आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। आप उन्हें सद्मार्ग के लिए प्रवत करें, इससे सम्राट और संघ दोनों को ही लाभ होगा। तुम मुझे लोभ दिखा रहे हो मात्य। क्या इससे संघ की कीर्ति नहीं बढ़ेगी भदंत? तुम संघ की शरण में आओगे तो अवश्य बढ़ेगी। मुझे तो आप मगध के लिए छोड़ दीजिए। कात्यायन, राजनीति की इस कलुषित भूमि को छोड़कर एक दिन तुम भी धम्म की शरण में अवश्य आओगे। भदंत, मैं कब धम्म की शरण में नहीं था? कात्यायन, मैंने अपनी मुक्ति के लिए तथागत का मार्ग चुना और तुमने अपने लिए मगध की राजनीति का। देखते देखते मैं मस्त हो गया और तुम नंदों की सेवा करते करते ऐसे अभिशप्त हुए कि लोग तुम्हें राक्षस के नाम से पुकारने लगे। स्नेह से तुमने वह संबोधन भी स्वीकार किया। मगध में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है मैंने, पर एक तुम हो कि आज तक नहीं बदले। तुम्हारी निष्ठा के आगे मैं नतमस्तक हूं अमात्य। आप प्रयत्न करेंगे ना? अमात्य, मैं सम्राट की मन की भूमि पर बीज अवश्य डाल दूंगा, पर उसे सींचना तो तुम्हें पड़ेगा। तो मैं चलूं? प्रणाम भरत। तथागत तुम्हारा कल्याण करे।